Welcome to Mentee's Daily News Analysis. Today, the quote is from Atheist Perspective that if you believe in 303 million God and goddesses and still have not faith in yourself, there is no salvation for you by Swami Vivekananda. तो आपको ये 10 मार्क्स के लिए लिखना है 150 वर्ड्स में और ये एक तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन आई एम गिविंग टू यू बट आपको मैं ये थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि किस लाइंस पे आपको अपना आंसर फ्रेम करना है. इस कोट से क्या मतलब हो रहा है कि विवेकानंद इन द अबव कोट हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस. ही असर्ट्स दैट द सेल्फ कॉन्फिडेंस शुड गेट प्रायोरिटी. अब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया कि इसका मतलब क्या है, तो अब आप इस चीज को अपने आंसर में फ्रेम करो, गिव एग्जाम्पल एंड राइट इट इन 150 वर्ड्स. अब आज की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं 19th जुलाई की और ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल Mentee.ie से आप डाउनलोड कर सकते हैं. आइए स्टार्ट करें. पहली न्यूज है जनरल स्टडीज 1 आर्ट एंड कल्चर से दैट अ फैसिनेटिंग फ्यूजन ऑफ रॉक आर्ट इन आंध्र प्रदेश रुद्रगिरी डिस्ट्रिक्ट. अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि हमारे एग्जाम के लिए आर्ट एंड कल्चर से क्या इंपॉर्टेंट है. पहला तो ये कि जो हिलॉक ये है जो रुद्रगिरी की बात हुई है, यहाँ पे आपको दो फीचर देखने को मिलेंगे. एक तो पहला तो एक्सेप्शनल मुरल्स फ्रॉम काकतीय डायनेस्टी विच डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम रामायण. एंड जो काकतीय आर्ट वर्क है इट हैज सफर्ड डैमेज ओवर टाइम ओवर अदर वैल्यूएबल इनसाइट्स. लेकिन अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज कौन सी है कि जो आपको यहाँ पे पेंटिंग्स मिली है, कौन सी पेंटिंग मिली है? प्री हिस्टोरिक मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स विच इज डेटेड बैक टू 5000 BC. तो ये आपको लोकेशन देखनी है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस स्टेटमेंट ऑल्सो. कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक ड्रॉइंग है जो डिपेक्ट कर रही है इंटेंस बैटल बिटवीन द वनारा ब्रदर कौनसे वाली एंड सुग्रीवा. सो मेक श्योर कि आप काकतीय डायनेस्टी के बारे जरूर देखो अपने आर्ट एंड कल्चर. कहाँ से देख सकते हो? NCERT क्लास 11 की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है एंड साथ ही में नितिन सिंघानिया की. या आपने अगर कोई अपने आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बनाए हैं तो मेक श्योर कि आप उसमें काकतीय डायनेस्टी के बारे आंध्र प्रदेश के पर्सपेक्टिव से जरूर देखो. आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट से जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि अ पुश फॉर GM मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस द लॉ. तो अभी स्टूडेंट्स हो क्या रहा है कि जो एनवायरमेंटलिस्ट है इंडिया में वो एक लीगल बैटल फाइट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटीज जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, जिसके बहुत इम्प्लीकेशन हो सकते हैं इंडियन फार्मर्स के लिए एंड साथ ही में जो कंज्यूमर्स है GM फूड के लिए. अब जो GM क्रॉप वैरायटी है वो डिफर करती है फ्रॉम कन्वेंशनल वैरायटी. कैसे? बिकॉज इन GM व्हाट इज हैपनिंग इज दैट सिलेक्टेड जीन्स आर इंसर्टेड इनटू DNA. तो वो ऐसी ट्रेड्स क्रॉप को देती है कि वो नेचुरली जो प्रोसेस नहीं करते, जैसे कि GM मस्टर्ड की हम बात कर रहे हैं. और यही अभी इसकी सेफ्टी को लेकर डिबेट चल रही है इंडिया में और कुछ कंसर्न्स भी रेज हो रहे हैं जो बाकी GM क्रॉप है, जैसे कि BT कॉटन, जो कि अभी ओनली GM क्रॉप है जो अप्रूव्ड है कंट्री में. अब स्टडीज ये भी सजेस्ट कर रही है कि जो BT कॉटन है वो इनिशियली तो बेनिफिट ही देगा फार्मर्स को, बट अल्टीमेटली इसने भी इंक्रीज कर दिए रिस्क एंड साथ में जो कल्टीवेशन कॉस्ट है. तो इसी पे दो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, एक पार्लियामेंट की और टेक्निकल कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने करी है, वो वीकनेस और लूप होल्स देख रही है कि रेगुलेशन ऑफ GM क्रॉप्स में क्या क्या हो सकता है. इसी पे UPSC ने 2018 में जो क्वेश्चन क्या पूछा था, विद रेफरेंस टू जेनेटिकली मॉडिफाइड GM मस्टर्ड डेवलप इन इंडिया, GM मस्टर्ड हैज अ जीन्स ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट. GM मस्टर्ड हैज अ जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन. GM मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कितने सिंपल लाइन्स में पूछा गया. आपको नहीं पता कि फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, आपको नहीं पता GM मस्टर्ड अलाउ प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन या नहीं, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट देखो कि इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बट इट हैज बीन डेवलप्ड बाय दिल्ली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. सो इफ यू नो दिस स्टेटमेंट तो आप 3 को एलिमिनेट करके यू गेट द आंसर दैट इज 2 ओनली. अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. नेक्स्ट न्यूज है इंडिया जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से दैट द इंडिया UAE डील टू डील ट्रेड विद रुपीज. तो अभी हमने देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर जी का विजिट हुआ है UAE में, तो RBI ने
साथ में जो बैंक है यूएई का, उन्होंने साइन कर रहे हैं दो एमओयू। फर्स्ट एमओयू का एम क्या था कि हम लोकल करेंसीज को प्रमोट करें, ताकि इससे हमारी जो पेमेंट है डोमेस्टिक करेंसीज में, रेमिटेंसेस में या जो इन्वेस्टमेंट्स है वो सब प्रमोट हो। सेकेंड एम क्या था दूसरे एमओयू का कि जो इंटरलिंक करे पेमेंट सिस्टम को, दैट मीन्स कि स्पेसिफिकली जो इंडिया का यूपीआई है वो आप यूएई का इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ आप लिंक कर दो। इससे क्या होगा कि कन्वीनियंट, सेफ, कॉस्ट इफेक्टिव क्रॉस बॉर्डर फंड ट्रांसफर होंगे। तो ये इनिशिएटिव से दोनों से क्या फायदा होगा, एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी इंक्लूडिंग रेमिटेंस फी और जो एक्सचेंज रेट मार्जिन होता है, एक आपका अफोर्डेबिलिटी होगी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की, एंड साथ ही में आपकी एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी दोनों कंट्रीज के बीच में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज जनरल स्टडीज 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से, दैट इज की जो एक न्यू सेमी हाई रेलवे प्रोजेक्ट है जो प्रपोज किया गया था केरला में, जिसका एम था फॉर एवरेज स्पीड ऑफ 125 किलोमीटर पर रात। अब ये इसमें जो प्रोजेक्ट है कौन कौन से एरिया कवर करेगा, दैट इज त्रिवेंद्रम टू कैनोर कॉरिडोर विच इज स्पैन इन 420 किलोमीटर, और ये ट्रैवल टाइम रिड्यूस कर देगा फ्रॉम 3.5 आवर्स। अब जो ये प्रपोज्ड अलाइनमेंट है ये किसके साथ सिमिलर है, जो हमारा 2015 में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आया था, तो ये भी तरह का आपका ऑल्टरनेटिव प्रोजेक्ट है। बाकी इस प्रोजेक्ट के बारे बताया है कि इस प्रोजेक्ट में आपके 15 स्टेशन होंगे जो कि लोकेटेड होंगे एवरी 30 किलोमीटर में, ताकि हम लार्जर नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट दे पाए। एंड इवन रेलवे ने और भी प्रोजेक्ट्स लिए हैं कि हम स्ट्रेंथन करें ट्रैक्स को, और साथ ही में हम स्ट्रेंथन करें कर्व्स को टू अकोमोडेट ट्रेन जो कि ट्रैवल कर रही है 110 किलोमीटर पर आवर, एंड इंक्रीज करें स्पीड टू 130 किलोमीटर पर आवर या 160 किलोमीटर पर आवर इन द फ्यूचर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज जनरल स्टडीज 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दैट मॉनसून अनइवन मार्च कुड फ्यूल फूड इन्फ्लेशन कॉशन इकोनॉमिस्ट। तो अभी ये है कि जुलाई में हमने ये देखा विदर्न ऑफ द सदर्न पेनिनसुला और साथ में डेक्कन प्लेटो में और जो ईस्टर्न रीजन्स है इंडिया में कि एक्सपीरियंस वो कर रहे हैं बिलो नॉर्मल मानसून। तो उससे क्या हो रहा है, लोअर खारिफ सोइन सीजन ऑल्सो फॉर कौन से क्रॉप्स के लिए, पल्सेस के लिए और राइस के लिए। अब इसने क्या कंसर्न रेज करा, जो कि फूड इन्फ्लेशन हो रही है वो यही तो रीजन है ना कि जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन हो रही है वो इसी कारण। अब हम ये देख रहे हैं कि बाय 15 जुलाई जो ओवरऑल सोन एरिया है खारिफ का वो आपका था 2% लोअर कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो इसीलिए अब जो रिजर्वायर लेवल है वेस्टर्न सदर्न रीजन्स में वो भी कम है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन से भी आपको एक्सेसिव रेनफॉल देखने को मिल रही है कुछ डेफिसिट रेनफॉल वाली स्टेट जैसे कि बिहार झारखंड में। अब आईएमडी डिपार्टमेंट ने भी प्रेडिक्ट करा है बिलो नॉर्मल रेनफॉल और फर्दर कैसे वो इम्पैक्ट करेगा सोइंग ऑफ क्रॉप जैसे कि पैडी एंड पल्सिस, जिससे आगे जाके फिर फूड इन्फ्लेशन होगी। That is what, कि जो मानसून का अनइवन मार्च कुड फ्यूल फूड इन्फ्लेशन, ऐसा इकोनॉमिस्ट जो हमें बता रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस, मोस्टली जो आर्टिकल्स द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो कॉमन होते हैं वो मैं यहाँ पे नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो हम जब हिंदू में हमने पीछे कवर ही कर लिया तो देर इज नो पॉइंट ऑफ कवरिंग इट अगेन। लेकिन जो अलग आर्टिकल होते हैं जैसे कि जनरल स्टडीज की इकोनॉमी में कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन टू चेक यूपीआई प्लेटफॉर्म फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस, तो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट कि अब जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है वो इवेलुएट करेंगे फॉर यूपीआई फॉर इंटीग्रेटिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विद क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। कैसे होगा, यूजिंग ग्लोबल पोस्टल नेटवर्क, ऐसा ये अभी ऑफिशियल ने रिलीज करा है जो डायरेक्टर ने बोला है कल। तो ये अब आपकी आज की एनालिसिस थी, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेंटी अकेडमी। और ऐसी एनालिसिस के लिए और फ्यूचर अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी मेंटी अकेडमी को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।